मोबाइल की तरह आपकी। पीछे भी दिख रहा है ना, पीछे देख, पीछे को दिख रही है जगह भी पूरी। चलो 3D स्क्रीन चला अंदर चले घूमते हुजूर ऑर्डर के माध्यम से प्रतिमाह 11.5 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। भीमराव अम्बेडकर के नए सफर की शुरुआत हो रही थी। जुलाई 1913 में वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वो वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों में अग्रणी थे। विश्व के बेहतरीन विद्वानों और अग्रणी शिक्षाविद में से एक भविष्य के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के निर्माण का रास्ता बन रहा था। उनके अपने शब्दों में, मन का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हर जगह LCD लगी हुई बेहतरीन मदद। वर्षों की कड़ी मेहनत से 1907 में उन्हें पहली उपलब्धि मिली और भीमराव जी रामजी अम्बेडकर ने सफलतापूर्वक मैट्रिक पास की। दादा कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर के समर्थन ये बौद्ध वृक्ष के साथ अब उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया, जो एक सीमित साधनों के युवा के लिए लगभग असंभावना थी। दादा केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराज से भीमराव की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की सिफारिश की। इसी छात्रवृत्ति के आधार पर अम्बेडकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद भीमराव अम्बेडकर अपने दानकर्ता बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद पिता की बिगड़ती हालत के कारण उन्हें तुरंत बंबई वापस आना पड़ा। DLT
हैं।